नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के श्रेष्ठ खिलाड़ी शामिल होना चाहते हैं। यहाँ शोहरत और पैसा खूब है। विश्व भर के खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए सपने देखते हैं और किसी टीम की कप्तानी मिल जाए ये खिलाड़ी का सपना पूरा होने जैसा हो जाता है। अभी तक कई कप्तान आए और गए, कुछ को सफलता मिली तो कुछ फ्लॉप साबित रहे। हालांकि इस बीच कुछ ऐसे भी कप्तान हैं जिन्होंने टी20 विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जीता है, लेकिन उन्हें कभी आईपीएल में कप्तानी का मौका ही नहीं मिला। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से टी20 विश्व कप विजेता कप्तान आईपीएल में कभी कप्तानी नहीं कर सके। लसित मलिंगा, 2014 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान, श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज और आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज लसित मलिंगा के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट हैं। उनके नाम 170 विकेट दर्ज हैं। मलिंगा 2009 से 2019 तक मुंबई इंडियंस का अहम हिस्सा रहे हैं और अपनी टीम को कई मैच जिताए हैं, साथ में उन्होंने कप भी जिताए हैं। हालांकि मलिंगा को इस टीम के लिए कभी कप्तानी करने का मौका नहीं मिला। मलिंगा को भले ही आईपीएल में कप्तानी का मौका ना मिला हो, लेकिन श्रीलंका ने 2014 टी20 विश्व कप उनकी ही कप्तानी में जीता था, जब फाइनल में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया था। फिर भी आईपीएल में कप्तानी ना कर पाने का मलाल मलिंगा को जरूर होगा। पॉल कॉलिंगवुड, 2010 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान, 2010 तीसरा टी20 वर्ल्ड कप। इस विश्व कप में इंग्लैंड की टीम ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर टीम ने खिताब जीता था और पहली बार आईसीसी विश्व कप पर कब्जा किया था। इस टीम के कप्तान थे पॉल कॉलिंगवुड। विश्व कप जीतने के बाद कॉलिंगवुड आईपीएल खेलने इंडिया आए। तब की दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें अपनी टीम में मौका दिया था। उस सीजन उन्होंने 8 मैच खेले, लेकिन उन्हें एक बार भी कप्तानी का मौका नहीं मिल सका। दुर्भाग्य से उस सीजन के बाद कॉलिंगवुड को आईपीएल में दोबारा खेलने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए वो कभी भी आईपीएल में कप्तानी नहीं कर सके। यूनिस खान, 2009 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान। वैसे तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमेशा से ही भारत के खराब रहे हैं, इसीलिए शुरुआती सीजन में ही पाकिस्तानी खिलाड़ी नजर आए आईपीएल खेलते हुए। वहीं 2009 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करके पहला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से मात दी। पाकिस्तान ने यह कारनामा यूनिस खान की कप्तानी में किया। हालांकि यूनिस ने इससे एक साल पहले आईपीएल के पहले सीजन में हिस्सा लिया था। उस सीजन शेन वॉर्न की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा वो थे और केवल एक ही मुकाबला उन्हें खेलने को मिला। इसके बाद भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने से बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से यूनिस खान कभी आईपीएल नहीं खेल सके। उन्हें इस बात का मलाल जरूर होगा कि सबसे बड़ी लीग में वो कप्तानी नहीं कर सके। तो ये थे 3 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान जिन्होंने देश के लिए कप जीता, लेकिन आईपीएल में कभी कप्तानी करने का मौका उन्हें नहीं मिल सका।